Hi, this is Ajay Sharma, motivator and a life coach. Welcome you for today's program. अभी हमारे एक मित्र मंदिर से पूजा करके आ रहे थे. रास्ते में मिले, हमने उससे पूछा भाई क्या परेशानी है. कह रहे यार क्या करें, जिंदगी बड़ी बोझिल हो गई है, पैसों की बड़ी परेशानी है. मैंने कहा फिर मंदिर क्यों जाते हो. कह रहे यार वो मेरी आदत है. तो मैंने कहा इसी तरीके से जो तुम्हारी चिंता करने की आदत है, ये नकारात्मक आदत है, इसको आप बदल दीजिए. लोग पूजा करते हैं लेकिन किस तरीके से करते हैं, एक आदत अनुसार, स्वेच्छा से, खुशी से नहीं करते हैं, एक स्वभाव से. जैसे प्रसन्न रहना आपकी एक आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन गुस्सा करना एक आदत है और नकारात्मक आदत है, तो इसको आपको बदलना चाहिए. ये पहचान है एक अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति की कि वो कितना उसका पूजा में या भगवान में मन लगता है. अगर उसका दिन खुशनुमा बीतता है तो व्यक्ति वाकई में पूजा कर रहा है. हमने अक्सर ऐसे किसान भाई देखे हैं या होटल्स में वर्क करने वाले लोग देखे हैं जो मंदिर या मस्जिद नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, लेकिन पूरे दिन अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी और खुशी से करते हैं. तो हमें ये धारणा बदलने की आवश्यकता है कि अगर हम पूजा या जो भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं आदत अनुसार कर रहे हैं, फिर भी हमारा जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ रहा है, खुशियाँ नहीं आ रही है, तो भगवान का इसमें दोष नहीं है माई फ्रेंड्स, दोष है तो हमारा अपना. हमने सोचा कि पूजा भी एक आदत हो गई, यंत्रवत हो गई है, मशीन की तरह जाएंगे और आ जाएंगे. अक्सर होता तो ये है, लोग मंदिर मस्जिदों में जाते हैं और अपनी बुराइयों को बाहर खूंटे पे टांग देते हैं. जब बाहर निकल के आते हैं मंदिर मस्जिदों से तो फिर उस मुखौटे को ओढ़ लेते हैं. इससे हानि किसकी है, ईश्वर की तो नहीं है, अल्लाह की तो नहीं है, किसी गॉड की नहीं है, आपकी अपनी हानि है. आप पूजा करें और उसके बाद आप खुश नहीं रह रहे हैं तो सोचिएगा आप पूजा बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं अपने आप को. आपको अगर आनंद प्राप्त करना है, किसी व्यक्ति को देखा है कि वो नहा ले और उसको फ्रेशनेस महसूस ना हो, किसी व्यक्ति को देखा है उसके मुंह में खूब सारी बर्फ रख दो उसको ठंडक महसूस ना हो, तो ऐसे ही आप बनिए. अगर आप मंदिर मस्जिद जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, तो पूजा का असली मतलब है कि आपके अंदर जो अंधेरा हो गया है उसको रोशनी से फिर से भर ले, फिर से तरोताजा हो जाए, एक स्नान ले लिया जाए प्रभु का नाम का. और उसके साथ साथ आप मंत्र भी जपते हैं, आप इबादत भी करते हैं, यस, तो वो चीज़ आपके हर कार्य में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. अगर आप सब्जी खरीदे तो दिखना चाहिए कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं. लेकिन हमने तो लोगों को अक्सर देखा है वो जितना बड़ा धार्मिक है उतना बड़ा ढोंगी होता चला जाता है धीरे धीरे. ये ढोंग उसके स्वभाव के साथ इतना मैचिंग करने लगता है कि लोग पहचान ही नहीं पाते कौन धार्मिक है और कौन अधार्मिक. पहचानना है कोई व्यक्ति कैसी पूजा करता है तो सबसे अच्छा तरीका है अगर उसका चेहरा एक बालक की तरह प्रसन्नचित रहता है और अगर उसका चेहरा एक बालक की तरह काम में लग जाता है. मैंने अक्सर छोटे बहन भाइयों को देखा है, भतीजियों को देखा है, उनके पापा लोग जब उनसे काम कराते हैं चाहे वो थक के चूर हो जाए वो काम करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है काम करने में. आप तो बड़े व्यक्ति हैं, आपके पास तो पैसा भी है और आप चाहे 4 पैसे कमाते हो 4 लाख कमाते हो, पैसा है तब भी आप रो रहे हैं. तो ये रोने की आदत मत बनाइए, वरना पूजा करने की जैसी आपने आदत बना ली ना मशीन की जैसे, वैसे रोने की आदत बन जाएगी जिंदगी में. कोशिश कीजिए आज से ही जब सूर्य उदय हो तो प्रसन्नता को लेकर उठें और मंदिर मस्जिद में इबादत करें अपने घर में, तो उसका प्रभाव दिखना चाहिए लोगों को. वरना ये तो ऐसे ही हो जाएगा, किसी व्यक्ति को आप दूध बादाम खिलाएं और वो सूखा का सूखा ही रह गया है. हमारा मन का जो कोना है ना वो आज भी अंधेरों से भरा पड़ा है. सुबह उठे अपने माता रानी या जिस ईश्वर को आप प्रार्थना करते हैं उसका जपा ध्यान करने के बाद 24 घंटे आप ऐसे सरूर में रहना चाहिए, ऐसे आनंद में रहना चाहिए कि लोग कहें कि आप करते क्या हैं. तब आप बोले आई लव माई गॉड, आई हैव द इंटीमेसी विद माई लॉर्ड, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड. लेकिन आप तो कहीं ना कहीं उससे मांगते रहते. अरे यार थोड़ा समय उसको खुशी से दे दो, वो आपका माओ का भी माँ है, आपके बाप का भी बाप है, वो ईश्वर या अल्लाह जिसको आप बोलते हैं. जब एक बार उसके हाँ सजदा कर लिया, आपने गर्दन झुका दी, उसके बाद बेईमानी नहीं. अक्सर मैं वर्कशॉप में लोगों से पूछता हूँ कि बेईमानी कौन करते हैं, तो स्टूडेंट कहते हैं साहब हमारे पापा तो नहीं करते हैं, हमारी मदर तो नहीं करते हैं. तो मैं बोलता हूँ कि किसी और दुनिया के लोग आते हैं जो यहाँ बेईमानी करते हैं इस देश में. ये देश इतना बड़ा धार्मिक देश है फिर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा बेईमान क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ढोंग करने की आदत के शिकार हो चुके हैं. इस ढोंग रूपी कपड़े को तार तार करके बाहर फेंक दीजिए. आप जैसे भी हैं, चाहे आप पूरी हनुमान चालीसा पढ़े या ना पढ़े, पूरी इबादत करना जानते हो ना जानते हो, आप उसको प्यार करने की कोशिश कीजिए. दैट गॉड इज लव, वो प्रेम आंखों में भर लीजिए जब 5 मिनट इसकी इबादत में बैठे. और नहीं लगता मन में कोई बात नहीं, आप काम करते हैं किचन में, किचन की सब्जी काटिए ऐसे जैसे आप पूजा कर रहे हैं, आप गार्डनिंग का वर्क ऐसे कीजिए जैसे यू आर डूइंग द जपा. इन सब चीजों को अपने कार्य में शामिल कीजिए.
मंदिर मस्जिद तक मत रहिए, वरना आप धार्मिक बन जाएंगे, आध्यात्मिक कभी नहीं बन पाएंगे। अगर आपको खुशी चाहिए, एक छोटे बच्चे को देख के आपकी नमाज और आपका श्रद्धा होने लगे, तो सोचना अल्लाह या गॉड आपसे बहुत प्रसन्न होने लगा है। हाँ, ये जो पूजा इबादत है ना, इसकी सही डेफिनेशन यही है कि इसके करने के बाद आपका चेहरा पूरे 24 घंटे खिला रहना चाहिए। कठिनाइयाँ आएंगी, कोई परेशानी नहीं, रात भी आएगी, सो लीजिएगा, फिर सुबह उठ के फिर से उसके नाम और ध्यान जप में डूब जाएंगे। जब भी ऑफिस का कोई काम करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे अपने गॉड के लिए कर रहे हैं, बॉस के लिए नहीं, दबाव आ जाएगा, गॉड के लिए कर रहे हैं, इबादत की तरह कर रहे हैं। हर कार्य को अपनी इबादत बना लीजिए, हर अदा को अपनी पूजा से जोड़ दीजिए, हर मटरगस्ती को, खुशी को अपने भगवान के लिए अर्पित कर दीजिए। आप दुनिया के सबसे प्यारे व्यक्ति हैं, यकीन मानिए, सिर्फ ढोंग को छोड़ दीजिए। बाय बाय।